हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, आज की फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ग्रेविटी फ्री स्पेस या ग्रेविटी इंक्लूड करके कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब बच्चों, ये मोशन कैसा हो सकता है? ये मोशन बच्चों 2D मोशन हो सकता है। 2D में क्या कौन कौन सा मोशन हो सकता है? 2D में हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, और कोई सिंपल पेंडुलम अगर आपके फील्ड में दे दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्प्रिंग मास सिस्टम अटैच कर दिया जाए तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो आइए बच्चों, इसे पर डिस्कस करते हैं। तो माई नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो बच्चों, जैसे मान लो ये एक प्लेट है छोटी सी, इस प्लेट की लेंथ आपको बच्चों मालूम है कितना? L। प्लेट की लेंथ कितनी है? L। और प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो कितना है? D है। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब यहां ग्रेविटी अपना इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, यहां ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो, ये क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये नेगेटिवली चार्ज हो तो इसके भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। प्लेट की लेंथ क्या है बच्चों? सेम है। इसके मिड पॉइंट से, कहाँ से? मिड पॉइंट से। ये है मिड पॉइंट, मतलब ये है डिस्टेंस d/2, और ये भी डिस्टेंस है d/2। इसको थ्रो कराया जाए बच्चों, इस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है कितना? क्यू, प्लस क्यू है, और इसका मास जो है स्मॉल m है। मान लेते हैं हम किसी वेलोसिटी को थ्रो करते हैं, सपोज दैट v वेलोसिटी से, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो? मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये फील्ड को जस्ट क्रॉस कर जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही कि नहीं बन रही है? देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? ई। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल को जब थ्रो कराया जाएगा तो ये फील्ड क्या करेगी? इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस क्यू, कितना है? प्लस क्यू, पॉजिटिवली चार्ज है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, प्लस क्यू। इसको वी वेलोसिटी से थ्रो कराया गया है। अब ये वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी दिया जाए इसको, कितनी वेलोसिटी दे कि जस्ट क्रॉस कर जाए, मतलब जो प्लेट की लेंथ है इस लेंथ को क्रॉस कर जाए, मतलब इसके लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा अगर क्रॉस करना है तो। प्लेट जितनी लेंथ है बच्चों, उस लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, वेरी मच ग्रेटर देन, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेंथ ये है, इतना तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, थोड़ा सा और अगर ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करे तो क्या होगा? इस फील्ड को जस्ट क्रॉस कर जाएगा। तो इसको जैसे थ्रो करेंगे तो ये सीधे जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा। आगे जैसे ही बढ़ेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे प्लेट, नेगेटिव प्लेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं जस्ट क्रॉस कर गया, ठीक है ना? जस्ट क्रॉस कर गया, तो ये करा, जस्ट क्रॉस तो किया ही है,
लेकिन इस पर फोर्स भी अप्लाई हुआ है। कितना फोर्स अप्लाई हुआ इधर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज का अमाउंट क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो इसका पाथ कैसा हो गया, 2D मोशन। कैसा मोशन हो गया, 2D मोशन। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों, ये सब आप लोग ने पिछले वीडियो में 2D मोशन पढ़ा ही होगा। अब बच्चों इसका जब 2D मोशन हो गया तो हमको ये कितना डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है कवर करनी चाहिए, ये कैसे पता लगाए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस तो पता होगा नहीं, क्योंकि हमको ये पता है कि प्लेट की लेंथ कितनी है, एल है, ये वी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन क्या क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू जस्ट क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट क्रॉस कर जाए। तो ये जो डिस्टेंस एल है इससे थोड़ी सी डिस्टेंस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर हम कहें ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, एल डिस्टेंस, ये भी एल है। y डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस करेगा, y डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कितना है, y डायरेक्शन है ना। तो ये मिड पॉइंट से थ्रो किया गया है, बिल्कुल बीचों बीच, तो ये d बाई टू, तो ये y जो होगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, प्लेट का हाफ, प्लेट के बीच का सेपरेशन d है, तो d का हाफ कितना होगा, d बाई टू, इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या ऐसे केसेस में, जब भी 2D मोशन बनाए तो आप दो एक्सिस में डिवाइड कर लिया करो, एक अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों जो ये एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, एस एक्स। ये डिस्टेंस इस प्लेट की लेंथ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, प्लेट की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ एस एक्स ग्रेटर देन एल, ये होना चाहिए। ये अलोंग एक्स एक्सिस के लिए है, किसके लिए है, अलोंग एक्स एक्सिस, एस एक्स ग्रेटर देन एल। अब एस एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने पढ़ा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है ना। तो यहां से एस एक्स हो जाएगा एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ग्रेटर देन एल होना चाहिए। अब यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना लेट किया है, वी, तो वी टी, नो एक्सेलरेशन, यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस बच्चों कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, आगे चेंज नहीं हो रहा, इसी वेलोसिटी से ये जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किस तरफ, y डायरेक्शन में, किस तरफ, y डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन किधर एक्ट हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किस साइड लग रहा है, y डायरेक्शन के अलॉन्ग, y एक्सेस के अलॉन्ग, तो एक्सेलरेशन y एक्सेस के अलॉन्ग मिलेगा, x एक्सेस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन l, तो वी टी ग्रेटर देन l, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये तो कन्फर्म है, डी बाई टू करेगा, है ना। अलॉन्ग वाई एक्सिस इसमें एस वाई कितना होगा डिस्टेंस, डी बाई टू हो जाएगा, ओके। कितना एक्सेलरेशन होगा, आपने पढ़ा है फोर्स बाई मास, तो ए वाई हो जाएगा QE बाई एम, QE बाई एम, ये हो गया आपका। और क्या हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसमें, जीरो, क्योंकि धीरे धीरे ये धीरे धीरे वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
जीरो से पहले तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, अब धीरे धीरे ये वाई डायरेक्शन तरफ मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल क्या मानेंगे, यू वाई जीरो मान लेंगे। तो टाइम तो वही लगेगा जितना ये डी वाई टू डायरेक्शन पहले जैसा होगा, तो कितना आएगा इसमें, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये है डी बाई टू, ये टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस वन बाई टू क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ये टू टू कैंसिल, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये एम डी बाई क्यू ई, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम डी बाई क्यू ई। इस टाइम की वैल्यू बच्चों यहाँ रख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो वी अंडर रूट एम डी बाई क्यू ई ग्रेटर देन एल, तो यहाँ से वी निकालें तो ग्रेटर देन एल अंडर रूट क्यू ई बाई एम डी, मतलब इतना वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जस्ट क्रॉस इसको, मतलब फील्ड को क्रॉस करने के लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे मतलब ज़्यादा हो जाए ठीक है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर जाएगा कितना, मिनिमम वेलोसिटी पूछा गया, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू एल अंडर रूट क्यू ई बाई एम डी, यही मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करें इसको, नोट कर लिया बच्चों, तो इरेज करते हैं इसको, सेकेंड क्वेश्चन तरफ। अब बच्चों इसी में देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे इसमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स एट सम एंगल, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज, प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है डी है बच्चों, ये क्वेश्चन सब बच्चों ग्रेविटी फ्री स्पेस पर है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल सपोज दैट प्लस क्यू है, मास एम है इसका, मास कितना है, मास एम, इसको यू वेलोसिटी सपोज दैट थ्रो किया जा रहा है थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे थ्रो किया जा रहा है, तो अब बताइए कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ यू such as या such that it just touches the upper plate को बच्चों just touch कर जाए, अगर इस type का question आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे solve करेंगे। यहाँ भी motion हो रहा है charge particle का uniform electric field में, तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही थ्रो करेंगे बच्चों ये जाएगा, मान लेते हैं ये यू वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, सपोज दैट कि यू से थ्रो किया और जाके टच कर गया, तो जब टच करेगा ऐसे जाएगा ना बच्चों, इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट, पैराबोलिक पाथ होगा, 2D मोशन होगा, तो ऐसे जाकर के सीधा बच्चों ये टच कर जाएगा ऐसे, अब इसके बाद ये रिपेल होगा तो इसका पाथ कैसा होगा ऐसे, तो हमको सिर्फ इतने से मतलब है कि बस टच कर जाए, और टच करने में कितना हाइट होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल पाथ में, मैक्सिमम हाइट होती है सबको पता है h, ठीक है ना। तो h के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर हमको u कैलकुलेट करना है तो आपको h चाहिए, तो h इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या होता है बच्चों,
यही होता है ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक मोशन, मैक्सिमम हाइट h की फार्मूला, यही होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो करेंगे क्या, यहाँ जो g होगा वहाँ पे ग्रेविटी था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहाँ भी कंडीशन है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ पर जो g होगा वो g इफेक्टिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बनेगी, कितना बनेगी एक्सेलरेशन, ए ये होगा क्यू ई बाई एम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इधर, ई मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम होगा, और यही हो जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से एच कितना होगा बच्चों, जितना प्लेट का बीच का सेपरेशन है, तो डी, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2qe बाई एम। ये एम कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटाओ, इट इम्प्लाइज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या, 2qe डी बाई एम, इसको डिवाइड कर देंगे तो यू स्क्वायर कितना जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 क्यू ई डी बाई एम, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 बाई साइन थीटा ये आ जाएगा, अंडर रूट 2 क्यू ई डी बाई एम। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये निकल आएगा बच्चों, क्लियर है, वेलोसिटी फार्मूला क्या आएगा, यू इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा अंडर 2 क्यू ई डी बाई एम। आपको क्वेश्चन में डी की वैल्यू गिवन रहेगा, कितने एंगल से थ्रो किया गया है ये एंगल आपको गिवन रहेगा, आप यहाँ कोसेक थीटा भी कर सकते हो, लेकिन साइन के टर्म में रखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, है ना। चार्ज का वैल्यू और मास दोनों दिया रहेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन रहेगा, तो यू कैलकुलेट करना होता है कि जस्ट टचेस करे, तो फार्मूला ये बन जाता है। फार्मूला आपको याद नहीं रखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर यहीं आपसे पूछ जाता है यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा टच करने में, तो यू साइन थीटा बाई जी होता है फार्मूला, 11th क्लास में पढ़ा है। फ्लाइट टाइम कितना होगा इसका, तो 2u साइन थीटा बाई जी होगा, यहाँ जी इफेक्टिव करेंगे, क्लियर है ना। तो यू कैलकुलेट करेंगे पहले, और यू अगर आपको गिवेन है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे भी कंपटीशन में जेई मेंस में नेट में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करिए, कर लिया बच्चों, एरस करते हैं। अब बच्चों देखेंगे सर्कुलर मोशन, इसी में कि सर्कुलर मोशन कैसे होगा। अगर बच्चों इसमें जी इफेक्टिव, या मतलब कह सकते हैं ग्रेविटी आल्सो एक्टेड हो, तो जहाँ पर बच्चों ग्रेविटी आल्सो एक्टेड होगा, अभी लास्ट में आपको मैं डिस्कस करूँगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर इसका मास हमने मान लिया एम, और चार्ज कितना है क्यू, इसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो कराया जाए, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी कि ये कंप्लीट सर्कल में, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, किस में मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस कितना हो, सपोज दैट आर हो, ये हमको यू वेलोसिटी मान लेते हैं, यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, इसको थ्रो किया जाता है। तो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी टू जस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो आपने मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ा है 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में, याद आ रहा बच्चों, क्लास 11th की काइनेमेटिक्स में अगर आपका सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि ये कहाँ से आ गया।
तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल में आपने पढ़ा होगा ऊपर के पॉइंट में सबसे ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है और यहाँ मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम देंगे तभी ये क्या कहते हैं एक सर्कल में या एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर पाथ के लिए, फॉर सर्कुलर पाथ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GR पढ़ा है आपने, है ना, लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 GR, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपने वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट GR पढ़ा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ग्रेविटी फ्री स्पेस है बच्चों, तो जी इफेक्टिव अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, जी इफेक्टिव, तो वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 G इफेक्टिव, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, सपोज दैट ग्रेविटी फ्री स्पेस आपको कहा जा रहा है, तो जी इफेक्टिव आर लगा देंगे, तो यही वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम। ये तो बहुत ही कम वेलोसिटी होती है अपर पे, इतनी वेलोसिटी कम से कम देना होता है, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, ए बाई एफ यानी जी इफेक्टिव, एफ बाई एम एक्सलरेशन, ये चार्ज कितना है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, तो क्यू ई बाई एम, तो वी एल आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 5 QE/mR, ये हो जाएगा ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए बच्चों, ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए वी एल इतना होगा। इफ ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टेड, इफ ग्रेविटी ऑल्सो एक्टेड, अगर ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है तो क्या होगा, तब जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, जी के साथ में इस एक्सलरेशन को ऐड कर देंगे, तो फार्मूला बन जाएगा वी एल इक्वल टू अंडर रूट 5 G+QE/mR। तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जब ग्रेविटी भी एक्ट हो रही हो। क्लियर है? तो इसको भी बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करें, जल्दी से नोट कर लिया। अब देखेंगे बच्चों इसमें सर्कुलर मोशन, क्या देखेंगे, सर्कुलर मोशन नहीं, हो चुका सर्कुलर मोशन, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम को अगर रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, ये था सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे मान लेते हैं ये बच्चों एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, यहाँ एक सिंपल पेंडुलम मान लो फ्रीली सस्पेंड किया गया है, मास एम है, लेंथ एल है इसका, तो ये भी क्या कर रहा है, इस पर भी लगेगा फोर्स, चार्ज सपोज दैट कितना है क्यू है इस पर, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, तो टाइम पीरियड बच्चों कैलकुलेट करेंगे टी इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, यहाँ भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, सपोज दैट ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी का अपना यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहाँ जी इफेक्टिव अप्लाई करेंगे, और जी इफेक्टिव क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी इफेक्टिव, और ये होगा कितना क्यू ई बाई एम, तो टाइम पीरियड के लिए आ जाएगा 2π√L/QE/m। अब ग्रेविटी भी एक्ट हो, इफ ग्रेविटी ऑल्सो एक्टेड, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये होगा g+QE/m इस तरह से, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा 2π√L/g+QE/m, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली क्या है ये, वर्टिकली
डाउनवर्ड्स। इस केस में ये लगेगा, कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाए तो इस प्लस के प्लेस पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली इज वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली क्या हो बच्चों, अपवर्ड्स हो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। ये होगा टाइम पीरियड का फार्मूला। क्लियर है, कोई डाउट इसमें बच्चों? तो ये है सिंपल पेंडुलम के लिए कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको इरेज करते हैं। दो कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा, वो जेई एडवांस में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम, क्या स्प्रिंग मास सिस्टम, इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों टाइम पीरियड। सपोज दैट ये एक रिजिड सपोर्ट है, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेबल है, यहाँ से एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास m है, चार्ज माइनस q है, चार्ज क्या है माइनस q है, ठीक है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट कितना होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर बच्चों क्या अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड के अपोजिट अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फील्ड के ही डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर अप्लाई होगा, इधर, और जैसे ही ये इस पर फोर्स अप्लाई होगा ये क्या होगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रेस्ट होगी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा, क्या होगा, और कॉम्प्रेस्ड होगा। तो कॉम्प्रेस्ड कैसे निकालेंगे, सपोज दैट कॉम्प्रेस्ड कितना हुआ एक्स, एक्स इक्वल टू फोर्स बाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, क्या होगा, फोर्स बाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। और फोर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्यू इंटू ई बाई के, ऐसे निकालते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू। टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये सबको पता है, ठीक है ना बच्चों। ये है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट कितना निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्यू ई बाई के, और टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यही है स्प्रिंग मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बच्चों, कोई चार्ज सर्कुलर रिंग है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है रिंग, और रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं थोड़ी दूर जा करके एक चार्ज है माइनस क्यू, इसको जैसे ही रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर इसकी है, एक्ट हो रही है, सबको पता है, जैसे ही अंदर ये जाएगा यहाँ रखेंगे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, फील्ड के अपोजिट, तो इसका मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ चार्ज क्यू, मोशन ऑफ चार्ज क्यू विल बी कहोगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चों तो इसके लिए हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड। जैसे पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ रखेंगे, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, ये सोर्स है, ये क्या है एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया हुआ है, जैसे यहाँ रख थोड़ी डिस्टेंस पे है, और इसका रेडियस जो है बच्चों कैपिटल आर है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका मोशन कैसा होगा, जैसे इसको रखेंगे धीरे धीरे से फोर्स अट्रैक्ट होगा, जैसे सेंटर के नज़दीक पहुँचेगा फोर्स बहुत ही तेज लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये धीरे से आगे बढ़ जाएगा उस डायरेक्शन में,
फिर वहाँ से इस साइड खींचेगा, है ना, उस साइड जाएगा, फिर इस साइड आएगा। तो सेंटर ओ के क्या कहते हैं, ये टू एंड फ्रो, इस सेंटर के टू एंड फ्रो ये एस एच एम करेगा। एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, डिराइव नहीं करना है, ड्राइव कर भी सकते हैं। किस फार्मूले से आएगा, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के से। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, सबको पता है। और फोर्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, एफ बाई एक्स से। तो यहाँ जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और जो डिस्टेंस एक्स है ये मैक्सिमम एट एनी स्टैंड डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगा, जब सेंटर के पास पहुँचेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको, टू पाई अंडर रूट एम बाई एफ बाई फोर्स है बाई एक्स। तो एक्स प्लेस क्या रखेंगे हम, इसका रेडियस आर रखेंगे, रेडियस आर रखेंगे, आर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आएगा बच्चों टू पाई अंडर रूट एम कैपिटल आर बाई। अब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर। तो टाइम पीरियड बच्चों आएगा टू पाई अंडर रूट एम आर क्यू बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इतना टाइम पीरियड मिलेगा। अब कैपिटल के की वैल्यू आप लोग एप्साइलन नॉट के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस साइड, तो ये लास्ट में आ जाएगा टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई आर क्यू वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट रख दें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट फोर पाई एप्साइलन नॉट एम आर क्यूब बाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चों ये आ जाएगा, क्लियर है। ये चार्ज सर्कुलर रिंग के लिए है, जब कोई छोटा चार्ज पार्टिकल थोड़ी सी स्मॉल डिस्टेंस पर रखा होगा तो उसका मोशन कैसा होगा, एस एच एम होगा। तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली, या मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग कम्प्लीट ही है, समाप्त है, द एंड है। तो आप लोग यहाँ तक इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक बढ़िया सा लेक्चर मिलेंगे लेकर के। तब तक पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।